वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे जेटेट मेंस की जो सब्जेक्ट्स हैं उसके एक अच्छे और बेहतर टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट तैयारी करना चाहते हैं जेटेट मेंस की या फिर जेटेट पीटी की, तो वो आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं, तो आप अगर करना चाहते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारे क्लास को। ठीक है, और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है आज की जो टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि जो भी तैयारी कर रहे हैं वो सब भी स्टूडेंट्स जुड़ सके और अपनी तैयारी को अच्छे से बना सके। ठीक है, और एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जॉब अच्छे तरीके से जो है ले सके। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट मिल रहे हैं वो आप तक सबसे पहले अवेलेबल हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग झारखंड के हिस्ट्री को जो है इसमें एक चैप्टर को उसके यहाँ पे कवर करेंगे। तो जो जो इम्पोर्टेंस पॉइंट्स हैं उसको हम लोगों को अच्छे से देखना है, समझना है। ठीक है, ताकि जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे अच्छे से हम लोग उसका आंसर कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडो आर्यन भाषाओं में झारखंड का क्या अर्थ बताया गया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं झार शब्द का अर्थ जंगल है और खंड का अर्थ क्या बताया गया है यहाँ पर, भूमि। इस प्रकार झारखंड का टू अगर बात करें पूरे अर्थ, तो वनों की भूमि कहा जाता है। झारखंड के अर्थ को इंडो आर्यन भाषाओं में वनों की भूमि से जो है उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार जो है में बसा होने के कारण इसे छोटा नागपुर प्रदेश भी बोलते हैं, यानी कि झारखंड छोटा नागपुर पठार में बसा है, इस वजह से इसे छोटा नागपुर प्रदेश भी बोला जाता है। झारखंड को जंगलों का प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यकाल में इस क्षेत्र को झारखंड के नाम से जाना जाता था, यानी कि प्राचीन काल की अगर हम बात करें मध्यकाल की, तो इसमें झारखंड को जो है झारखंड के नाम से ही जाना जाता था। नेक्स्ट है भविष्य पुराण। 1200 CE के अनुसार झारखंड 7 पुनरादेशों में से एक था, ऐसा भविष्य पुराण में उल्लेखित किया गया है। इसके बाद है यह नाम पहली बार पूर्वी गंगा वंश के नरसिंह देवद्वित जो थे, पूर्वी गंगा वंश के नरसिंह द्वित, ठीक है, तो उनके शासनकाल में उड़ीसा क्षेत्र के केंद्रपाड़ा नामक एक क्षेत्र था में 13वीं शताब्दी की तांबे की प्लेट पाया गया था, तो उसमें ये उल्लेखित किया गया था नाम। ठीक है, नेक्स्ट है वेदनाथ धाम से पूरी तक की वन भूमि झारखंड के नाम से जानी जाती थी। अकबरनामा एक पुस्तक है, उसमें जो है पूर्व में पंजीत से लेकर रतनपुर तक का जो क्षेत्र था और उत्तर में रोहतासगढ़ और दक्षिण में उड़ीसा की सीमा को झारखंड के रूप में जाना जाता था। तो अगर बात करें तो झारखंड का जो क्षेत्र था काफ़ी विस्तृत था, ये अकबरनामा जो है एक पुस्तक है उनमें जो है उल्लेखित किया गया है। ठीक है, वहाँ तक हम लोगों ने समझा। अब हम लोग चलेंगे काल के बारे में कि किस काल में क्या क्या मिली है। ठीक है, झारखंड से रिलेटेड, तो उस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो झारखंड के हजारीबाग ज़िले में लगभग 5000 साल पुराना गुफा चित्र मिला है। ठीक है, इस राज्य में ईसा पूर्व 1400 काल के लोहे के औजार और मिट्टी के बर्तन के कुछ जो है अवशेष भी मिले हैं, जो कि प्राचीन काल के बताए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 325 ईसा पूर्व में भारत के उत्तरी इलाके बिहार से उत्पन्न साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। फणी मुकुट राय छोटा नागपुर में नागवंशी वंश की स्थापना की थी, यानी कि 325 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो भारत के उत्तरी इलाके बिहार से उत्पन्न साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था ऐसा माना गया है। ठीक है, और नागवंशी वंश के संस्थापक फणी मुकुट राय को कहा जाता है, जो छोटा नागपुर में नागवंशी वंश की स्थापना की थी, यानी कि संस्थापक उनको माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यकाल। तो मध्यकाल में अगर हम लोग देखें इस क्षेत्र में चेरो राजवंश और नागवंशी राजाओं का शासन था। मध्यकाल में अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में चेरो राजवंश जो थे और नागवंशी राजवंश
तो उन राजाओं का शासन हुआ करता था। मुगल प्रभाव इस क्षेत्र में सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान पहुंचा। अगर बात करें मुगल शासन व्यवस्था की, उनके प्रभाव का, तो वो सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान ही झारखंड में जो है मध्यकाल में पहुंचा, यानी कि उनसे प्रभावित हुआ झारखंड। ठीक है, जब 1574 ईस्वी में राजा मानसिंह ने इस पर आक्रमण किया था, ठीक है, तो तब फिर झारखंड मुगलों से प्रभावित हुआ। नेक्स्ट है दुर्जन साल मध्यकाल में छोटा नागपुर महान नागवंशी राजा, उनके शासनकाल में वे मुगल शासक जहांगीर के समकक्ष के सेनापति ने इस क्षेत्र में आक्रमण किया था। राजा मेदिनी राय ने 1658 से 1674 तक पलामू क्षेत्र पर शासन किया था। तो दुर्जन साल मध्यकाल में छोटा नागपुर महान जो नागवंशी राजा, उनके शासनकाल में वे मुगल शासक जहांगीर के समकक्ष के सेनापति ने इस क्षेत्र में आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राजा मेदिनी राय जो थे, वो उनका जो शासन काल अगर पूछेगा तो वो 1658 से 1674 तक था, और वो पलामू क्षेत्र पर शासन किए थे। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलती है। नेक्स्ट बात करें, चेरो राजवंश के कमज़ोर होने के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का इस क्षेत्र में दखल हुआ था। तो चेरो राजवंश के कमज़ोर होने के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है बहुत ही बात करें तो काफ़ी प्रबल हो गया था। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर बात करें अंग्रेज़ों की शासन झारखंड में जो है कब से स्टार्ट हुई थी, तो उनका जो प्रवेश था वो सिंहभूम जिले से हुआ था, और 1767 ईस्वी में अंग्रेज़ों का जो है सिंहभूम जिले में प्रवेश माना जाता है, 1767 ईस्वी में। कई एग्जामों में ये पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चेरो के पलामू किले पर कब्जा कर लिया था, यानी कि चेरो राजवंश जो भी शासक थे उस टाइम के, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वहाँ पे उन लोगों को जो है अगर बात करें तो कमज़ोर वहाँ पे, जब से उन लोगों का दखल प्रारंभ हुआ तो उन लोगों का जो राजवंश था वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो गया, यानी कि कमज़ोर पड़ गया, और फिर वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो है शासन व्यवस्था पलामू किले पर कब्जा करके स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चेरो के पलामू किले पर कब्जा करके अपना शासन व्यवस्था उन्होंने स्टार्ट कर दिया। आधुनिक काल की अगर हम बात करें वो थी मध्यकाल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आधुनिक काल। तो 1765 के बाद यहाँ ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है का प्रभाव पड़ा। 1765 के बाद आंगल मराठा युद्ध के बाद छोटा नागपुर पठार के कई राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है उनमें नागवंश रियासत, रामगढ़ रियासत, गांगपुर, सरायकेला, जासपुर, सरगुजा आदि जो हैं शामिल थे। ठीक है, जब 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव पड़ा, यानी कि वहाँ शासन व्यवस्था उनका जो है दखल स्टार्ट हुआ, तो फिर वहाँ पे आंगल मराठा युद्ध के बाद छोटा नागपुर के कई राज्य जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गए थे, यानी कि उन्होंने अपना वहाँ पे आधिपत्य करके अपना शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश दास्ता के अधीन यहाँ काफ़ी अत्याचार हुए और अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों का काफ़ी दबदबा हो गया था। ठीक है, इस कालखंड में इस प्रदेश में ब्रिटिश के खिलाफ बहुत से विद्रोह हुए, जिनमें से जो बहुत ही मुख्य प्रमुख विद्रोह थे, जो मुख्य मुख्य अगर बात करें तो क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, देशभक्त क्रांतिकारी जो भी थे उन्होंने ये विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन लोगों की ज़मीन को हथिया लिया था और फिर उन लोगों को
बेदखल कर दिया गया था, ठीक है, यानी कि भूमिहीन कर दिया था, उनकी भूमि को छीन लिया था, जिस कारण लोगों में काफ़ी आक्रोश थे और उनका जो है रहन सहन और जो भी जीवन दिनचर्या का जो भी वो निर्वाह करना चाहते थे, वो उन लोगों को अंग्रेज़ों के द्वारा अच्छी तरीके से जीवन निर्वाह करने की जो है वहाँ पे बात करें तो वो दखल देते थे, उनको अच्छे से जीवन यापन करने में बहुत ही कठिनाई होती थी। तो उन सबों का उन्होंने विरोध किया और इस तरीके से बहुत सारे विद्रोह हुए। बहुत ही मुख्य मुख्य महानायक अगर बात करें क्रांतिकारी, तो उन लोगों के द्वारा जो है वो प्रादुर्भाव विद्रोह का उत्पन्न हुआ और फिर जिससे क्या हुआ, ब्रिटिश शासन जो है काफ़ी की व्यवस्था चरमरा सी गई, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मुख्य है विद्रोह, उनको हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो जो प्रमुख है उसको पढ़ना है, बाकी को उतना मतलब जो पूछे जा सकते हैं पूछे जाने हैं, जो मुख्य है उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चुहाड़ विद्रोह जैसे है 1769 ईस्वी में, पहाड़िया विद्रोह, ठीक है, तिलका मांझी के द्वारा जो तिलका विद्रोह किया गया था 1783 ईस्वी में, तमाड़ विद्रोह 1765 से 1800 ईस्वी, चेरो विद्रोह, ठीक है, मुंडा विद्रोह, खेरवार आंदोलन, भूमिज विद्रोह, वीरभूम जो भी थे, और सिपाही विद्रोह, खड़िया विद्रोह, लॉर्ड कार्नवालिस, तो इत्यादि का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो वो इस वजह से ही हुआ था कि ब्रिटिशों ने वहाँ जो है उनके जीवन को काफ़ी नुकसानदायक बना दिया था, काफ़ी जो है उन लोगों की स्थिति दयनीय कर दी थी और अपना शासन आधिपत्य जो है बहुत ही बढ़ चढ़ कर वो लोग कर रहे थे, ठीक है। तो उनका विद्रोह किया गया था वहाँ के लोगों के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गई कुछ मुख्य बातें, अभी इनमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, इस चैप्टर में, तो उसको हम लोग अच्छे तरीके से आगे फिर से देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं, चलिए अब ये हम लोग जो है इसी के बीच थोड़ा सा ये भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि झारखंड का जो अगर हम बात करें उसके कैटेगरी में कौन कौन से राज्य हैं, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, इसके बाद अगर बात करें नॉर्थ साउथ और साथ ही साथ कितने जिले हैं और जो भी है, क्या इसका जो है डिस्ट्रिक्ट वगैरह कौन कौन से हैं, क्या इनका जो सीमा अगर बात करें तो किस किस राज्य से रिलेटेड है, तो इत्यादि चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ झारखंड का दिख रहा होगा मैप, है ना, तो ये मैप जो है आप देखिए साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा मैप में कि यहाँ पे बिहार है, ठीक है। इसके बाद इसका जो है अगर बात करें ईस्ट में तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो ये सब जो है राज्य इनसे सटे हुए हैं, सीमा से वेस्ट बंगाल है। तो ये तो अगर कुल अगर हम बात करें कितने राज्य इनके अंतर्गत आते हैं तो इनकी सीमा से सटे हुए, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, यानी कि टोटल जो है यहाँ पे 5 स्टेट यहाँ पे इनकी सीमा से लगते हैं, झारखंड की सीमा से, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके जिले की तो आप यहाँ साफ साफ देख सकते हो लिखा हुआ है 24 टोटल जो है इनके जिले हैं, ठीक है। तो जिसमें से रांची हो गया, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसवा दोनों, ईस्ट सिंहभूम, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, देवघर, खूंटी, रामगढ़। तो इतने 24 जो है जिले झारखंड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक करके ये देखेंगे कौन से जिले, एक एक चीज़ों को हम समझेंगे कि प्रमंडल कितने हैं और फिर कौन कौन से जिले जो उन प्रमंडलों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम आप लोग जो है मैप झारखंड का आप लोग बना लेना, ठीक
ठीक है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको झारखंड के जो सीमा से कितने राज्य लगते हैं, कितने कौन से जिले हैं, तो किस और हैं, तो ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इसको जो भी मैप है इसको ड्रॉ कर लेना, और फिर अच्छे तरीके से मेंशन नाम को कर देना है और याद रख लेना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे झारखंड के प्रमंडल की। तो झारखंड का जो प्रमंडल है, ठीक है, वो कितने हैं टोटल, यहाँ आपको दिख रहे होंगे। संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान प्रमंडल, यानी कि टोटल जो है आपके यहाँ पे प्रमंडलों की संख्या की बात करें तो वो कितने हैं, 5 है, ठीक है। ठीक है, तो ये देखिए आपको यहाँ नक्शे के द्वारा बताया गया है कि राज्य कैसे कैसे, पहले क्या होता है, फिर राज्य का निर्माण होता है। तो सबसे पहले प्रखंड होता है, ठीक है, प्रखंड के बाद अनुमंडल का निर्माण होता है, फिर जिला का, फिर प्रमंडल का, और फिर राज्य का, ठीक है। तो फिर इस तरीके से राज्य का एक निर्माण हो जाता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन से प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। तो इसमें आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा कि पलामू प्रमंडल की अगर हम बात करें तो उसमें 3 जिले आते हैं, ठीक है। और इसमें जो है पलामू, गढ़वा, लातेहार, जो 3 मुख्य जिले हैं वो आते हैं इनके अंतर्गत। और मुख्यालय की अगर हम बात करें तो मेदिनी नगर है, ठीक है। आगे है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसमें 7 जिले यहाँ पे मेंशन की गई है, जिसमें चतरा, कोडरमा, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़ और धनबाद जो है सम्मिलित है। इनका अगर मुख्यालय देखें तो हजारीबाग है, ठीक। 3 में है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसमें 5 जिले हैं टोटल, लोअर दंगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी, और मुख्यालय अगर देखें तो रांची यहाँ पे है, ठीक है। 4 में कोल्हान प्रमंडल, इसमें 3 जिले हैं, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवां, इन्हीं के अंतर्गत आती है। पूर्वी सिंहभूम और अगर मुख्यालय की बात करें तो चाईबासा, ठीक है। 5 में है संथाल परगना प्रमंडल, इसमें 6 जिले आते हैं, 6 जिले, 6 जिले आते हैं इसमें, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, और मुख्यालय इनका जो है दुमका, जो कि झारखंड की राजधानी रांची और उपराजधानी दुमका है। तो इनका मुख्यालय है जो दुमका है, ठीक है। तो इतने जिले और ये थे प्रमंडल जिनके अंतर्गत आते हैं, और इनका ये मुख्यालय भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड का अक्षांश विस्तार की अगर हम बात करें तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड है, ठीक है, से 25 डिग्री 18 मिनट है, ठीक है, उत्तर तथा देशांतरी अगर विस्तार करें, यानी कि अक्षांश विस्तार कितना हो गया, अक्षांश विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 11 सेकेंड, सॉरी 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड हो गया, ठीक है, और 25 डिग्री 18 मिनट उत्तर, ठीक है। तो ये अक्षांश विस्तार उत्तर की तरफ है झारखंड का। और अगर हम बात करें दक्षिणी विस्तार की, ठीक है, तो इसमें 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूरब तक है। तो ये टोटल अक्षांश और देशांतर विस्तार झारखंड की यहाँ पे दिखलाई गई है। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी भाग में बिहार के दक्षिण तथा पश्चिम की अगर बिहार के दक्षिण तथा बंगाल के पश्चिम में स्थित पठारी भूभाग को झारखंड के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर बात करें पूर्वी भाग में बिहार के दक्षिण के जो क्षेत्र हैं और तथा बंगाल के पश्चिमी में स्थित जो पठारी भूभाग यानी कि क्षेत्र है उसको झारखंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक तथा उत्तर वेदिक साहित्यों में झारखंड के विषय में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे उल्लेखित किया गया है ऋग्वेदिक तथा उत्तर वेदिक साहित्यों में झारखंड के बारे में, तो जिससे क्या है ना उनके विषय में जानकारी उपलब्ध है, तो उनको उसमें सम्मिलित किया गया है झारखंड के जो है विषय को, तो उनसे जानकारी मिलती है।
नेक्स्ट, छोटा नागपुर क्षेत्र को रसिक मंगल नामक पुस्तक में नागभूम कहा गया है। याद रखिएगा, नागभूम कहा गया है छोटा नागपुर क्षेत्र को, रसिक मंगल नामक की जो एक पुस्तक है उसमें। आईने अकबरी में अगर बात करें तो इस प्रदेश को कोकरा कहा गया है। आईने अकबरी में इस प्रदेश को कोकरा कहा गया है, ठीक है। बहुत एग्जाम में पूछा भी गया है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद तुजा की जहांगीरी, जो जहांगीर की आत्मकथा है, ठीक है, में इनको खोखरा कहा गया है, ठीक, इसको खोखरा कहा गया है तुजा की जहांगीरी में, और कोकरा आईने अकबरी में कहा गया है, ठीक है। वायु पुराण में अगर बात करें तो उसे मुरंड तथा विष्णु पुराण में मुंड नाम से जाना जाता है। वायु पुराण में मुरंड तथा विष्णु पुराण में मुंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। झारखंड का जो है ये विभिन्न प्रकारों में अगर बात करें पुस्तकों में, विभिन्न विभिन्न पुस्तकों में, जैसे वायु पुराण हुआ, विष्णु पुराण हुआ, और तुजा की जहांगीरी जो जिन्होंने लिखी है आईने अकबरी, तो उन्होंने अपने अनुसार जो है झारखंड को क्या क्या नाम से पुकारा है वो इसमें उल्लेखित किया गया है इन पुस्तकों में, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थी जो हम लोगों ने इसमें कवर किया, इस वीडियो में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और वेट करते हैं, करिए अगले वीडियो के लिए। एक इसी में एक आगे जो टॉपिक के मेन मेन पॉइंट्स है उसको हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।